बोलते थे आप लोग, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। छोटी के लिए क्वेश्चन मैं आपकी बुक से कराऊंगी, एक बार आप इसे न्यूमेरिकल यानी प्रैक्टिकली डेरिवेशन देखिए इसका मतलब क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम किससे डिनोट करते हैं, ईडी से। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन बेटा क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब है रेशियो, परसेंटेज। दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। कौन सा चेंज? परसेंटेज चेंज इन, इज इट क्लियर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में आपका आप कैसे कैलकुलेट करते बेटा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका आएगा क्या, क्वांटिटी डिमांड को किससे नोट करते बेटा? डी से। डिमांड को किससे नोट करेंगे? डी से। तो बेटा आपका इसमें आ जाएगा क्यू डी आपका माइनस क्यू डी, यहाँ वन लिखा है, या आप डी वन भी लिख सकते हैं। हाँ, टू डी क्यू डी वन माइनस क्यू डी के ऊपर इसके अंदर आपका मतलब यहाँ पे मैंने न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू हंड्रेड। क्योंकि क्या निकाल रही हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सिंपल बेटा, आपने प्रॉफिट और लॉस वगैरह के क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें प्रॉफिट का मतलब क्या था, सेल प्राइस जो थी ना माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 परसेंटेज आपकी प्रॉफिट की निकल जाती है। सेम वैसे ही हम कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू न्यू डिमांड। न्यू डिमांड का मतलब है चेंज डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। ये डेरिवेशन समझ में आ रही है? ये इनवर्स आप एक एग्जांपल देके देखिए बेटा। क्यूडी का मतलब पहले ये प्राइस है, प्राइस अगर 5 और 10 है, ठीक है, अगर 5 रुपीस में मेरी क्वांटिटी 20 सोल्ड होती थी और बेटा 10 पे मेरी 10 सोल्ड हो रही है, आपकी इसको बोलेंगे QD1 और इसको ये स्टार्टिंग की तरह क्वांटिटी QD और इसको क्या बोलेंगे बेटा? QD1। यानी इसे क्या बोलेंगे? इनिशियल क्वांटिटी, पहले क्वांटिटी बिफोर चेंज। चेंज तो ये है ना, चेंज से पहले की क्वांटिटी कितनी थी? 20 ना, और चेंज के बाद की क्वांटिटी कितनी है? 10। आप समझ में आ गया बेटा इनिशियल और चेंज का मीनिंग? यानी QD1 का मतलब क्या बेटा? न्यू डिमांड। और क्यों अकेला सिंगल QD का मतलब क्या बेटा? इनिशियल डिमांड। अब इनिशियल और चेंज का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यूडी को हटा दीजिए, आप ये भी लिख सकते हैं बेटा क्या, न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। नाउ क्लियर? आप ये वर्ड भी शॉर्टकट में क्या पूरा लिखने के बजाय, इसलिए मैं D1 और D वर्ड यूज कर रही हूँ। D1 मीन्स नई डिमांड और D मीन्स बेटा स्टार्टिंग की डिमांड। ओके, सेम बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस बेटा P1 माइनस P इनटू P इनटू में 100। अब इसका भी मीनिंग वही है, P1 मींस न्यू प्राइस, P मींस बेटा इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। इज इट सेम? अब इस एग्जांपल के अंदर बेटा P क्या है? This one. P1 क्या है? This one. P means initial price. P1 means आपकी new price. तो क्या निकल जाएगा बेटा? ये क्या है? दोनों मैंने जो फॉर्मूला लिखे हैं, It means
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये क्या बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये आप ये डायरेक्शन आ गया। अब आते हैं बेटा आपका क्या, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे ना, मैथमेटिकली आपको पता नहीं चलता। अभी देखिए न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड को हम किस चीज से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा क्यू डी लिख दीजिए इसे, अकेला क्यू, मेरे ख्याल से बुक में अकेला क्यू लिखा है क्वांटिटी का, आई थिंक बुक में जो आपका इन्होंने क्यू वर्ड यूज किया होगा। ठीक है, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, आपका चेंज इन डिमांड, समझ में आ गया नहीं आ गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आपका यहाँ पे सिंगल क्यू क्योंकि क्वांटिटी है ओनली। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा पी अपॉन, ये कैसे आया समझ में आ गया, डेल्टा क्यू मींस चेंज इन क्वांटिटी, इनिशियल चेंज इन प्राइस, शॉर्टकट समझ में आ गया बेटा। अब इसको अगर मैं ठीक करके आप लोगों को ये समझ में आ गया नहीं कैसे करते हैं, अगर मैथमेटिकली अगर फ्रैक्शन में आपके डिवीजन में है उल्टा अपोजिट हो जाता है पीछे वाला, सेम ऐसे ही हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसमें सभी में आगे माइनस आएगा, माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज़ देयर इज इनवर्स रिलेशन, बिकॉज़ देयर इज प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड माइनस, इज इट क्लियर। नाउ अब इसका क्या फॉर्मूला आपका बनेगा बेटा, चेंज इन क्वांटिटी इंटू पी अपॉन, समझ में आ गया, इसको आपके डायरेक्ट आपके बुक में फॉर्मूला दिया मिलेगा, जब आप इसे ओपन करते हैं ना, ई डी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड हाउ टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परसेंटेज मेथड, दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन लर्न डायरेक्टली, मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करवाई है, अगर थ्योरेटिकली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है तो मैं इसकी डेरिवेशन, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, समझ में आ गया, ये मैंने सिर्फ आपको डेरिवेशन करवाई है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला, इज इट क्लियर बेटा। जैसे मैथ्स में कोई भी थ्योरम या कुछ भी करते हो तो आपको उसके अगर डेरिवेशन पता होती तो आप कभी भी उसे बोलते नहीं, याद रहते हैं, तो आपको देर आर मेनली टू मैथड इन योर सिलेबस फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ईडी, ईडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट मैथड क्या बेटा, परसेंटेज मैथड जो मैंने अभी बताया आपको, एक एक्सपेंडिचर मैथड है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैथड समझ में आ गया, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको उसको कैलकुलेशन भी बता देती हूँ। यहाँ तक किसी को डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो पहले पूछ सकता है, एनी डाउट, नो, आगे चले, वैसे तो आपका ये वाला इसी में यूज होता है आपका, लेकिन लिखा मोस्टली किस में जाता है, ठीक है ना, ओके बेटा। चलिए अभी देखिए आंसर है वो प्लस में आएगा, या माइनस भी आएगा, नहीं बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है, वैसे मोस्टली जो आपका आंसर है ईडीडी जो डिमांड होती है, क्योंकि ईडी का मतलब चेंज इन आपका डिमांड, डिमांड कब माइनस का आंसर आ रहा है, इट मींस इट इज डिक्रीज, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है बेटा डिमांड इंक्रीज, इट मे बी इन बोथ साइन बेटा, पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव, ओके। चलिए अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, इट मीन्स क्या होता है, गिवन हमें क्या है, इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, आपकी क्या न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी डिमांड, अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है, पीडी क्या निकालना है, पीडी, पीडी मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा, माइनस, अभी मैंने आपको बताया पीडी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन क्यू into delta q upon delta p, this is the formula na, p means beta initial price, p hai 4, quantity 1,
चेंज इन प्राइस का मतलब डेल्टा जी वी से 4 माइनस है 1 इट मींस बेटा 3 एनी डाउट निकाल लेंगे ना दो ये पर रिपीट करना भी मैं देखिए P means क्या है इनिशियल प्राइस व्हाट इज द इनिशियल प्राइस 4 Q means क्या बेटा इनिशियल क्वांटिटी 1 डेल्टा Q का मतलब होता है बेटा Q1 माइनस Q इट मींस क्या है न्यू क्या था क्वांटिटी माइनस इनिशियल तो मेरी कितनी आ गई माइनस 2 डेल्टा P का मतलब क्या बेटा P1 माइनस P तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अब आपको सिर्फ क्या करना है 2 माइनस है तो ऑलरेडी आंसर किस में आ गया आपका पॉजिटिव बेटा कितना आ जाएगा 8/3 तो आंसर कितना आ रहा है 2.7 उल्टा कर दिया मतलब माइनस टू नीचे आएगा p वो है और p यहां पे ये है बेटा माइनस टू नीचे आएगा 3 और माइनस 2 हमने यहां पे p की वैल्यू दी क्या कितना है आपका माइनस 4 2 कितना आ जाएगा बेटा 12 6 माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6 हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है डेल्टा क्यू डेल्टा से तो ये है और ये क्या होता है डेल्टा पी आंसर क्या आ गया आपका 6 अब मुझे बताइए अब आपको मैं नेक्स्ट टाइम करूंगी इसको 6 को आंसर जो हम क्या बोलते हैं ग्रेटर देन लेस देन वाला आपका कांसेप्ट डिग्री वाला हम करेंगे क्वेश्चन निकालें प्रॉब्लम में एक दो डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल जरूरी नहीं